मेरी लिखी कहानियाँ रोज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सुषमा तो पूरी रात सो नहीं पाई। शर्मिंदगी के कारण वो किसी से नज़रें मिलाने लायक नहीं रही थी। सासू माँ ने तो उसे ऐसी नज़रों से देखा जैसे उसने किसी का खून कर दिया हो। ससुर जी बेचारे चाहकर भी सुषमा की साइड नहीं ले पाए। आखिर साइड लेते भी कैसे? सासू माँ ने सुषमा को अपने देवर के साथ देखा ही ऐसी स्थिति में था कि अब कहने सुनने लायक कुछ बचा ही नहीं था। देवर यानी वैभव अपनी भाभी का पूरा पक्ष ले रहा था और अपनी माँ को एक पल में चुप करवा दिया। सासू माँ इस बात पर और ज़्यादा गुस्सा हो गई और उन्होंने सुषमा को खूब खरी खोटी सुना दी। सुषमा को तो ऐसा लग रहा था कि वो घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जाती भी तो कहाँ, अपने पीहर जाकर करती क्या? अब वहाँ माँ बाप तो रहे नहीं और भाई चाहता तो है कि सुषमा को सहारा दे, लेकिन भाभी ऐसी है कि भाई की सुनती ही नहीं। उल्टा पिछली बार जब सुषमा कुछ दिनों के लिए अपने पीहर गई तो भाभी ने 2 दिन में ही इतने झगड़े कर लिए कि सुषमा को ना चाहते हुए भी पीहर छोड़कर फिर से अपने ससुराल आना पड़ा। लोग सही कहते हैं कि माँ बाप के बिना पीहर पीहर नहीं रहता। जब तक आपके माँ बाप जिंदा हैं तब तक ही आपका उस घर पर अधिकार है। उसके बाद तो आपके साथ परायों की तरह व्यवहार किया जाता है। खैर, सुषमा पूरी रात सो नहीं पाई। दरअसल बात यह थी कि सुषमा कोई नौकरी नहीं करती थी, सिर्फ घर संभालती थी और उसका पति नरेंद्र उसे हाथ खर्ची के पैसे देता था जिससे कि वो अपने ज़रूरी काम करती। नरेंद्र सुषमा का बहुत ख्याल रखता, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता था कि सुषमा को अपने पीहर में भी अब प्यार नहीं मिलता। माँ बाप के चले जाने के बाद वो बहुत टूट गई थी और 2 दिन भी शांति से पीहर नहीं रह पाती थी, इसलिए नरेंद्र सुषमा का ज़्यादा ख्याल रखने लगा था। सुषमा की एक प्यारी सी बेटी थी प्रिया। घर में सास ससुर जी देवर भी साथ ही रहते थे। यूं तो सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक नरेंद्र की तबीयत खराब हो गई और उसे लकवा हो गया। घर वाले तो ये देखकर हैरान रह गए कि अचानक सही सलामत इंसान को लकवा कैसे हो सकता है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए और उसका इलाज करवाया तो पता चला कि लकवे का असर बॉडी के 50% पार्ट्स पर है और अब नरेंद्र बेड रेस्ट पर ही रहेगा। ये झटका घर वालों के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि नरेंद्र और वैभव की कमाई से ही घर चलता था, पिताजी की पेंशन भी आती थी, पर अब नरेंद्र की नौकरी छूट गई। पिताजी और वैभव ने मिलकर घर का भार भी उठा लिया और प्रिया को संभालने की जिम्मेदारी भी ले ली। सुषमा दिन रात अपने पति की सेवा में लग गई। उसे किसी भी हाल में अपने पति को ठीक करना था। इस सब में 5 महीने बीत गए। धीरे धीरे नरेंद्र की स्थिति में फर्क दिख रहा था। अभी उसे पूरी तरह ठीक होने में कुछ और महीने थे। इस बीच वैभव ने देखा कि घर की बाकी सभी सुख सुविधाओं का तो ठीक से ख्याल हो रहा है, लेकिन सुषमा भाभी नरेंद्र का ख्याल रखते रखते खुद बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई। खाने पीने का भी ठीक से ख्याल नहीं रखती, खुद के लिए कुछ भी नहीं करती, क्योंकि आर्थिक स्थिति को देखते हुए सुषमा ने अपनी सारी ज़रूरतें इच्छाएं खत्म कर दी। वैभव अपनी भाभी की हालत देख रहा था। कुछ दिनों बाद सुषमा के पीहर में शादी होने वाली थी। इतने समय से सुषमा सिर्फ दुख में ही जी रही थी, लेकिन अब जाकर नरेंद्र की हालत भी ठीक हो रही थी और पीहर में शादी के लिए वो भी बहुत उत्साहित थी। ऐसे में वैभव नहीं चाहता था कि उसकी भाभी को अपनी इच्छाएं मारनी पड़े। वो ये भी जानता था कि भाभी तो कभी आगे से कुछ मांगेगी नहीं। उनके पति की भी अभी नौकरी नहीं है और 6 महीनों से उन्होंने खुद के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है, तो उनकी भी कुछ इच्छाएं होंगी।
इसलिए वैभव अपनी मर्जी से ही सुषमा के लिए कुछ साड़ियाँ, सैंडल और श्रृंगार का सामान खरीद ले आया। इन सब तोहफों के साथ वो पैसों का एक लिफाफा भी भाभी को दे रहा था, ताकि वो प्रिया के लिए अपने मनपसंद कपड़े ला पाए और शादी में भी उनके पास कुछ पैसे रहे। सुषमा ये सब देखकर दंग रह गई। वो अपने देवर से तोहफे लेने के सख्त खिलाफ थी। उसका यही कहना था कि भैया, मैं समझती हूँ आप मेरी बहुत परवाह करते हैं, लेकिन मैं आपसे ये तोहफे और पैसे नहीं ले सकती। मेरा अधिकार सिर्फ मेरे पति के पैसों पर है। आपसे ये सब लेना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात मेरी इच्छाओं की, तो कुछ महीने अगर मैं अपना मन मार भी लूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। घर के बाकी खर्च तो आप चला ही रहे हैं। ऐसे में मैं आपके ऊपर और भार नहीं डाल सकती। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ। इस पर वैभव ने कहा, भाभी, आपको शर्मिंदा होने की जगह खुद पर नाज होना चाहिए। आप जब मेरे भैया का ख्याल रख रही हो, वैसा आज के ज़माने में कोई नहीं रखता। उल्टा लोग ऐसी स्थिति में छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन आप हो कि एक पल के लिए भी भैया को अकेला नहीं छोड़ती, और आपकी मेहनत के कारण ही अब वो ठीक हो रहे हैं। हम सब की पूरी जिम्मेदारी आपने अकेले निभा ली। ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ कर पाएं। और रही बात अधिकार की, तो मेरे पैसों पर भी आपका उतना ही अधिकार है जितना कि भैया के। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए जब तक भैया ठीक ना हो जाए, आपको मेरी बात का मान रखना होगा। ये सब बात चल ही रही थी कि सासू माँ ने तोहफा और वैभव के हाथ में पैसे का लिफाफा देख लिया। उनके दिमाग में सबसे पहले गंदे विचार ही आए और उन्होंने सोचा, कैसी बेशर्म औरत है, भाभी होकर अपने देवर से पैसे ले रही है, तोहफे ले रही है। ये तो शायद आए दिन ये सब करती होगी। शादी में जाना है इसलिए अपने देवर को बहला फुसला कर उससे पैसे खर्च करवा रही है। बस फिर क्या था, सासू माँ ने बात का बतंगड़ बना दिया और कहने लगी कि यहाँ हम सब की इच्छाओं का हम दम घोट रहे हैं ताकि घर खर्च ठीक से चल सके, और इस महारानी को देखो, इसे अपनी ख्वाहिशों को अपने देवर के दम पर पूरी करना है। भला कोई भाभी कभी देवर से पैसे लेती है? तेरा वैभव के पैसों पर कैसा अधिकार? पति बीमार है तो क्या देवर से तोहफे लेगी? मेरे बेटे को बहला फुसला रही है। बस फिर क्या था, सुषमा तो इतनी कड़वी बातें सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। वो एक शब्द न कह सकी और रोते रोते अपने कमरे में चली गई। इतनी कड़वी बातें सुनकर वैभव अपने आप को रोक न सका और बुरी तरह अपनी माँ पर बरस पड़ा। उसने पूरी स्थिति अपनी माँ को बताई, लेकिन माँ थी कि इस बात पर भी बरस गई और कहने लगी, हाँ तू तो अपनी भाभी का ही चमचा है, ज़रूर ये सब तोहफे तो उसके कहने पर ही लाया होगा। वैभव ने अपनी भाभी से खूब माफ़ी मांगी कि मेरे कारण आपको इतनी खरी खोटी सुननी पड़ी, माँ से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब ससुर जी को पूरी सच्चाई पता चली तो उन्होंने सासू माँ को उनका आईना दिखाया और कहा कि यही लड़की है जो तुम्हारे बेटे की दिन रात सेवा कर रही है, हमेशा निस्वार्थ होकर इस घर को संभाला, हमें संभाला, और तुमने इसे इतना भला बुरा कह दिया। तुम्हें तो उल्टा अपनी बहू की इच्छाओं का ख्याल रखना चाहिए। शादी के लिए तुम्हें आगे से इसे पैसे देने चाहिए थे, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने पैसे प्यारे हैं। मेरी बहू के लिए तोहफे मैं खुद लूँगा। अगर थोड़ी भी इंसानियत हो तो बहू से माफ़ी मांग लेना, क्योंकि कल जो तुमने किया वो बहुत गलत और ओछा था। सुषमा ये सब देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे इस बात की खुशी थी कि कम से कम बाकी घर वाले तो उसे समझ रहे हैं। उसी शाम ससुर जी सुषमा के लिए 4-5 साड़ियाँ और ले आए और वैभव के तोहफे भी उन्होंने सुषमा को दिए और कहा, बेटी, अपनी सासू माँ की बातों का बुरा मत मानना। उसके लिए पैसा बहुत महत्व रखता है, लेकिन हमारे लिए तुम।
इस मुश्किल घड़ी में हम सब एक दूसरे के साथ हैं और देखना, जल्द ही नरेंद्र भी ठीक हो जाएगा। सुषमा को अपनी सासू माँ की बातों का बुरा जरूर लगा, लेकिन अपने ससुर जी और देवर का अपने प्रति लगाव देखकर वो बहुत खुश हुई। आज नरेंद्र भी अपनी पत्नी को नई साड़ी में देखकर मुस्कुरा रहा था।